हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कंचन फैमिली व्लॉग। और मैं कंचन फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक न्यू व्लॉग में। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह का नज़ारा कैसे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे मायके में लास्ट डे है। तो बस अभी हम स्टेशन की तरफ निकल चुके हैं और घर पे मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। और भाई हमें जा रहा है रेलवे स्टेशन तक छोड़ने, और मम्मी और पापा मेरे साथ ही जा रहे हैं। तो कुछ इमरजेंसी है, इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है। और वो क्या इमरजेंसी है आगे मैं आपको बताती हूँ। तो बस सुबह 3 बजे हम जगे हुए थे, तो सुबह नहाना धोना खाना पीना, इसमें हमें 5:30 बज चुके थे। तो 5:30 बजे हम निकल चुके हैं। और हमें जिस ट्रेन से जाना था उस ट्रेन की मोबाइल से बुकिंग हो ही नहीं रही थी, तो हमने सोचा वहीं जाकर हमें शायद टिकट मिल जाए। लेकिन वहां जाकर भी हमें टिकट नहीं मिली थी। तो हमें जाना था उत्कल से, और देखिए यहां सारी मार्केट अभी बंद है। तो हमें जाना था उत्कल से, तो उत्कल की हमें टिकट नहीं मिली। तो फिर हमने कोचीवैली की टिकट ली थी। तो कोचीवैली दिल्ली तक जाती है, जो लोग अगर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, दिल्ली तक जाती है वो। और दिल्ली से आप कौशल ले सकते हैं। तो बस हमने फिर वहाँ से दिल्ली से कौशल ली थी, तो हम आगरा पहुँच चुके थे। आगरा नहीं, हमें आगे बताऊंगी मैं कहाँ जाना था। तो बस देखिए हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, और यही है बस स्टॉप। तो रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों पास में ही हैं। तो अभी रेलवे स्टेशन अंदर हम जा रहे हैं, और मम्मी पापा ने फिर टिकट कंफर्म कराई थी। और यहाँ भाई हमें छोड़कर फिर चला गया था, क्योंकि उसे ड्यूटी जाना था। और जब मैं आई थी तब भी मैंने आपको व्यू दिखाया था यहाँ का, पर अच्छे से नहीं दिखा था। पर उस टाइम भीड़ बहुत थी, और भीड़ इस टाइम मुझे दिख नहीं रही थी, लेकिन टिकट पता नहीं क्यों नहीं, मतलब टिकट नहीं मिल रही थी। तो देखिए ये था टिकट घर यहाँ का, बहुत अच्छा यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। तो देखिए पूरा मैंने आपको दिखाया है व्यू। और ये कनिष्का बिटिया जा रही है आगे, और पापा जा रहे थे, और मम्मी आगे पहुंच चुकी हैं। देखिए वो जा रही हैं रेड बैग लेके, मम्मी आगे आगे। तो बस अभी यहाँ का पूरा व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। और भाई जा चुका है, परी को हमने नहीं जगाया था, क्योंकि अगर हम परी को जगाते ना तो वो बहुत रोती, तो मैं उसको सोता ही छोड़ के आई हूँ। तो बस अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, और मम्मी देखो कितनी उदास हैं। तो चलिए फिर मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। ऐसा है कि मम्मी हरिद्वार रहती है ना, इस वजह से बहुत कम मेरा जाना हो पाता है। मैं कई साल बाद गई थी, तो यहाँ देखिए बच्चों का भी बिल्कुल मन नहीं था, उदास हैं दोनों। तो हेलो कर रहा है शिव। तो मम्मी मतलब हरिद्वार रहती है ना, इस वजह से मेरा बहुत कम होता है जाना। तो बहुत सालों बाद गई थी, फिर भी मैं बहुत कम रह पाई हूँ। चलिए जो भी रहे हैं अच्छा है, अच्छा टाइम पास हुआ। और आज मुझे फीवर भी आ गया था, लेकिन जाना ज़रूरी था, इस वजह से मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ। तो मम्मी पापा भी जा रहे हैं, और फिर मैं निकल जाऊँगी घर। तो मैंने मम्मी को बोला था मम्मी हाय तो कर दो, तो मम्मी ने बड़े आराम से हाय किया है। तो बस अब ये है शाम का व्यू। तो हमारी ट्रेन थी 7:30 बजे AM में, और हम यहाँ पहुँचे थे शायद 6:30 बज रहे थे। मैं स्टेशन पर उतर कर आपको ज़रूर दिखाऊंगी टाइम हम कितने बजे उतरे थे। और देखिए पूरा भर चुका है डिब्बा, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉपेज आते हैं हर कोई आता है अंदर जाता है, होता रहता है ये। और पापा पता नहीं क्या बोल रहे थे, और यहाँ मैं कनिष्का को जगा रही हूँ। और अभी हम पहुंच चुके हैं, तो मम्मी उतर चुकी हैं, और मैं भी उतर रही हूं, और पापा पीछे हैं, उतरेंगे वो अभी। तो बस अभी हम पहुंच चुके हैं राजस्थान। पापा शायद पहले ही उतर गए हैं। हाँ बाय, नहीं धौलपुर आए पापा बोल रहे हैं बाय। ये देखिए धौलपुर यानी कि राजस्थान। तो अभी टाइम हो रहा था आपका 18:22।
तो बस अभी हम फ्रेश होंगे क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो यहाँ हाथ मुंह वगैरह धोकर मिलते हैं आपसे। मुंह धो लूं मैं पहले? आप लोगों से मैंने बात भी नहीं की है। और सब यहाँ ज़्यादा मतलब लोग बाग नहीं उतरे थे, हमें लग रहा था बस हम ही उतरे हैं। मैंने देखा मतलब ट्रेन गई थी उसके बाद में कोई भी नहीं दिख रहा था हमें। एक जो हमसे पहले लेडी उतरी थी वो तो वो थी बस, और हम थे। धौलपुर यानी कि राजस्थान आए हैं, और क्यों आए हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और गर्मी की वजह से बहुत बेचैनी हो रही थी और मुझे फीवर था, तो मुझे तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। और इस बोतल ने हमारा बहुत साथ दिया है, क्योंकि जैसे कि बोतल लेते हैं ना ट्रेन वगैरह में तो वो गर्म हो जाती है, लेकिन हम उस बोतल का पानी इसमें ही कर देते थे, तो इसमें पानी ठंडा बना रहता है। और फिर इसके बाद में हमने टेम्पो कर लिया है, हमें जाना है मेरी कज़िन सिस्टर की शादी है वहाँ। और यहाँ शादी अटेंड करने के बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगी अपने घर यानी कि अपने ससुराल, क्योंकि मम्मी पापा फिर निकल चुके थे हरिद्वार और मैं निकल आई थी अपने कस्बा, अपने गांव, अपनी ससुराल। तो बस यहाँ देखिए अब मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगी, हाँ, लेकिन ये जो येलो कलर की साड़ी पहने हैं ये मेरी एक कज़िन सिस्टर है, तो एक ये और एक सिस्टर और है मेरी, वो ये बुआ की लड़की है और वो भी बुआ की लड़की है, तो हम तीनों की मतलब जोड़ी ऐसी रहती थी कि हम कहीं भी मिलते थे तो एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। तो ये सबसे ख़ास है मेरी जो कज़िन सिस्टर्स हैं उनमें, और वो हमारा अब मिलना हो ही नहीं पाता है। तो बस यहाँ खाने पीने की बात हो रही थी कि खाना खा लो, तो मैंने कहा बुआ जी मैं तो सुबह से ही परेशान हूँ, मुझे खाना पीना कुछ नहीं खाना, मुझे बस दवा खाकर सोना है। तो बस यहाँ खाने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं, और ये है मेरी बुआ, ये है टीचर, तो उनकी सरकारी जॉब है, तो हम लोग यहाँ थोड़ी मस्ती कर रहे थे। बुआ बोल रही थी चल सेल्फी ले, तो यहाँ हम सेल्फी ले रहे थे। और मैंने जो मेरी सिस्टर जिसकी शादी है कज़िन सिस्टर, उसका वीडियो थोड़ा सा शूट भी किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ वो मुझसे डिलीट हो गया है, तो सॉरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। तो यहाँ भात की तैयारी हो रही है, पापा वगैरह भात पहना रहे हैं, क्योंकि जो भाई लेके आता है बहन के यहाँ जो भी सामान भात में, तो वो यहाँ पहनाया जा रहा है। तो बस यहाँ बुआ के साथ मैं बैठी हुई हूँ, तो मुझे तो बस लग रहा था कि बस अब ये सारा कुछ जल्दी से ख़त्म हो और मैं अपनी दवा खाकर सोऊं, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। और भाई का बार बार कॉल आ रहा था कि दीदी अब तेरी तबीयत सही है क्या, तेरी सही है क्या, और उसने ये भी बोला था कि दीदी अभी रुक जाओ मत जाओ आप शादी में। मैंने कहा नहीं भाई, फिर पूरी ज़िंदगी कहने के लिए हो जाता है। तो बस यहाँ मतलब मैं आ गई थी, भाई बोल रहा था नहीं मैं तुझे 7 तारीख को छोड़ाऊँगा, तू रुक जा कुछ दिन, तो मैंने कहा नहीं भाई अब जाना है तो अब जाना ही है 4 दिन बाद या पहले। तो बस यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ थोड़ा बहुत, तो आप भी देख लीजिए मेरे साथ। और फिर यहाँ के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया है, बस ये भात का ही है जो मैंने शूट किया है। देखिए मेरे दर्द हो रहा है मुझे, मैं मतलब बुआ वगैरह बोल रही है गीत गा, मुझे क्या गीत गाना आता है जो मैं गाऊँ। तो बस यहाँ ये भात वगैरह पहना रहे हैं, और यहाँ ये चाचा हैं, तो चाचा मुझसे बोल रहे थे कि पिंकी तुझे ब्लैक कलर के ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा हाँ चाचा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जब जो गाउन पहन के आई थी वो भी ब्लैक थी और ये साड़ी भी ब्लैक है, तो उन्होंने पूछा था मुझसे, तो मैं यहाँ बता रही थी उनको। तो बस अब बुआ की बारी आ चुकी है, तो मम्मी अब बुआ को पहनाएंगी। और यहाँ ये जो ग्रीन कलर की साड़ी पहने हैं ना, जो स्टॉल सी गले में लगाए हैं, ये मेरी खास बुआ है। और वैसे हमारी मतलब चाचा ताऊ की होती हैं 11 बुआ हैं, तो हम कभी ये नहीं कहते कि हमारी एक बुआ है, हम यही बोलते हैं कि हमारी 11 बुआ हैं। तो देखिए यहाँ एक एक कर कर सारी बुआएं आती जा रही हैं, तो ये येलो कलर वाली, ग्रीन कलर वाली, रेड कलर वाली, ये सब मेरी बुआएं हैं, और कुछ बुआ आ नहीं पाई थी। तो बस यहाँ जो भी भात का प्रोग्राम है वो चल रहा है,
और मम्मी भी दिखाती हूँ आपको, मम्मी ने साड़ी चेंज कर ली है तो अभी मम्मी भी आएंगी। देखिए ये आ गई, ये रेड कलर की जो साड़ी पहने हैं ये मम्मी हैं। तो मम्मी जैसे कि भात पहनाते हैं ना भाई, तो साड़ी वगैरह देते हैं और साथ में जो आते हैं वो भी देते हैं। तो मम्मी के हाथ में खट्टी करके रखती जा रही थी बुआ, और बस यहाँ वही प्रोग्राम चल रहा है और हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, क्योंकि ये जो पीच कलर की टी शर्ट पहने हैं और जो येलो कलर की और ये जो ग्रीन कलर की चश्मा लगाए हैं, ये तीनों, ये दोनों बुआ और ये चाचा, मतलब हम लोग इनके साथ ही ज़्यादा रहे हैं। हमें अपनी बुआ से ज़्यादा इन बुआ के साथ मतलब रहने का बहुत मौका मिला है, और हमें ये लगता ही नहीं था कि मतलब हम अलग रहते हैं या क्या है, क्योंकि उस टाइम मतलब सब एक साथ ही रहते थे, बाद में सब अलग अलग रहने लगे हैं। तो बहुत अच्छा लगता था एक साथ हम रहते थे तब। तो बस यहाँ थोड़ा बहुत और ये मैंने शूट किया है, और ये जो अंदर वेश राजस्थानी वेश पहनते हैं ना, वो पहन के जो बैठी हुई है ये मेरी जो सिस्टर है, कज़न जिसकी शादी है उसकी बड़ी सिस्टर है। तो मैंने उसका भी वीडियो शूट किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मुझसे, कुछ गलती हो गई और वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गया है, इसलिए मैंने नहीं ऐड कर पाया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखो नंद भौजाई की नोकझोंक चलती रहती है, ये इन दोनों की तो कुछ ज़्यादा ही चलती है। तो बस फिर मिलूंगी आपको, जय श्री राधे कृष्णा।